रे, इतनी नेगेटिविटी लेकर जाओगी कहाँ जैस्मिन रानी भाई? ना 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 ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं मिस्टर अमित टंडन। आइए बात करते हैं कि अमित टंडन ने किस तरीके से जैस्मिन की नेगेटिविटी को पहचान लिया, न सिर्फ उन्होंने बल्कि ऑडियंस ने भी पहचान लिया, और इस तरीके से खींचा कि सोशल मीडिया पे हो गया बवाल। रुबीना दिलैक को कर दिया है सपोर्ट। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर टिंग टॉन्ग कर दीजिए, और यस फेसबुक ट्विटर इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या कहते हैं मिस्टर अमित टंडन। अमित टंडन जिन्होंने रिसेंटली बिग बॉस का एपिसोड देखा और अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया जो है सबके सामने रख दी। वैसे कल के एपिसोड में मैंने भी ये बात रखी दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी की बातों में ज्यादा वजन हो जाता है जब ऑडियंस सुनती है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि अमित टंडन क्या कहते हैं। अमित टंडन फेमस टीवी एक्टर, सिंगर, एज वेल एज या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर्सन, राइट? अमित टंडन जी इंटरव्यू देते हैं दोस्तों, जहां पर वो जैस्मिन को स्लैम करते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं कि कितनी नेगेटिविटी फैलाती हो यार तुम। वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग वुमेन हु स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव विदाउट फियर शुड बी अप्लॉड, नॉट ब्रोकन। वैसे जैस्मिन के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा घर में अब रहना, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी के बीच अपनी नेगेटिविटी हाईलाइट करना मुश्किल हो जाएगा। #BigBoss14। I'm not laughing at, it's just instant reaction. So, Mr. Amit Tandon कहते हैं कि जो strong महिलाएं होती हैं, जब वो अपने लिए stand लेती हैं, without any fear stand लेती हैं, वो उनको applaud करना चाहिए, मतलब कि उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर वो जैस्मिन के लिए कहते हैं कि वैसे जैस्मिन के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा घर में अब रहना, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी के बीच में वो अपनी नेगेटिविटी हाईलाइट कैसे कर पाएंगी। मतलब कि जैस्मिन में साफ तौर पे उन्होंने बोल दिया कि नेगेटिविटी भरी पड़ी है कोट कोट के। सो जैस्मिन के प्रति तो मिस्टर अमित टंडन का ये है रिएक्शन। आपको क्या है कहना इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बने रहिए चैनल फीवा फूज के साथ, सारी अपडेट आप लोगों को बताऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग।